प्रिय विद्यार्थियों, हम स्नातक द्वितीय वर्ष के समाजशास्त्र विषय में पिछले हमारा जो वीडियो था उसमें हमने असमानता के बारे में जाना था। आइए हम असमानता के संबंध में भारतीय समाज का जो परिदृश्य है आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय समाज उसमें असमानता के आधार आदि को समझेंगे। पहला ही भारतीय समाज का असमानता का आधार है जाति आधारित असमानता। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया में भारत का समाज एकमात्र ऐसा समाज है जिसमें संस्करण का जो आधार है वो जातियां रही है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था परंपरागत रूप से जातियों में बटी हुई है और जातियों के आधार पर ऊंच नीच का भाव रहा है। पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले इसकी जानकारी मिलती है कि परम ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, बुझाऊं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और जंघा से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। अर्थात पुरुष सूक्त में कहा कि परम ब्रह्मा ने स्वयं चार वर्णों की उत्पत्ति की। धीरे धीरे ये व्यवस्था वर्णों से जन्म के आधार पर बनी और जब जन्म के आधार पर इस व्यवस्था की स्थापना हुई तो उसे हमने जाति व्यवस्था का नाम दिया। आइए आज हम जानते हैं जाति क्या है। जाति अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है और अंग्रेजी का कास्ट शब्द पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है जिसका अर्थ है मतभेद, प्रजाति आदि से लिया जाता है। अर्थात विभिन्न लोगों के बीच में जो भेद को व्यक्त करने की स्थिति है उसे जाति कहा गया। जब हम इसके दूसरे पक्ष को जानते हैं वंशानुक्रम के आधार पर, तो वंशानुक्रम के आधार पर हम जाति की स्थिति को जानते हैं तो कूले ने एक बात कही अर्थात अपनी परिभाषा दी कि जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित हो जाता है तो उसे हम जाति कहते हैं। अर्थात जन्म के आधार पर जब सदस्यता का निर्धारण होने लग जाए तो उसे हम जाति की स्थिति कहते हैं। इसी प्रकार डीएन मजूमदार लिखते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है। बंद वर्ग से यहां तात्पर्य है कि वही व्यक्ति जाति का सदस्य हो सकता है जिसने जाति में जन्म लिया। अर्थात आजीवन एक व्यक्ति अपनी जाति को बदल नहीं सकता, इसलिए बंद वर्ग है क्योंकि वर्ग की सदस्यता हमेशा खुली रहती है। जाति के संदर्भ में जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है जाति जन्म आधारित एवं अंतर विवाह पर आधारित होती है। अर्थात जाति में दो विशेषताएं पाई जाती हैं, जन्मजात सदस्यता होती है और एक जाति का व्यक्ति अपनी जाति में विवाह संबंध स्थापित करती है। इस संबंध में केतकर लिखते हैं कि जाति की दो आधारभूत विशेषताएं हैं। नंबर एक, सदस्यता जन्मजात होती है और नंबर दो, विवाह संबंध अपनी जाति तक सीमित होते हैं अर्थात अंतर्विवाह की विशेषता पाई जाती है। इस प्रकार से जन्मजात सदस्यता और अंतर्विवाह की जो विशेषता है वो जाति को अपने आप में वर्ग से अलग करती है। इन सब के बाद हम प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री जीएस घुरिया साहब के दृष्टिकोण को जानेंगे। घुरिया की पुस्तक कास्ट, क्लास एंड एक्यूपेशन, जाति वर्ग और व्यवसाय में हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विशिष्ट विश्लेषण किया और जाति की छह आधारभूत विशेषताएं बताई। पहली विशेषता है समाज का खंडात्मक विभाजन। अर्थात हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातियों उपजातियों के आधार पर समाज के भिन्न भिन्न खंड हैं। ये भिन्न भिन्न खंड भिन्न भिन्न समूहों का निर्माण करते हैं और इन समूहों के बीच में कभी भी समानता नहीं रही। इन समूहों के बीच में सदैव असमानताएं विद्यमान रही है। दूसरी विशेषता है बताइए संस्करण। समाज का जो संस्करण रहा है, ऊंच नीच का जो क्रम रहा है,
वो जातियों के से तय होता है। ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना गया, क्षत्रिय फिर वैसे और निम्नतम स्थिति पर शूद्रों को माना गया। अर्थात हिंदू सामाजिक व्यवस्था है उनमें जातियों के आधार पर ऊंच और नीच का क्रम तय किया गया। तीसरी विशेषता बताई खान पान और सामाजिक सहवास संबंधी प्रतिलोम। खान पान से तात्पर्य है कौन किसके साथ बैठकर खाना खा सकता है, कौन किसके साथ बैठकर पानी पी सकता है, सहवास साथ रह सकता है। तो हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातियों में परस्पर एक ही जाति के लोग खान पान करते हैं, साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, हुक्का पानी पीते हैं। इस प्रकार से विभिन्न जातियों में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। अगली विशेषता बताई विभिन्न जातियों में नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार। हिंदू सामाजिक व्यवस्था में कुछ जातियों को विशेष अधिकार है। परंपरागत रूप से जिस ब्राह्मणों की जो प्रतिष्ठा है वो सर्वोत्तम मानी गई, तो शूद्रों को न्यूनतम स्थान प्रदान किया गया। इस प्रकार एक और कुछ जातियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं तो दूसरी ओर कुछ जातियों को न्यूनतम सामाजिक स्थिति प्रदान की। ये हमारी धार्मिक व्यवस्था ने तय किया। अगली जो विशेषता बताई गुरी साहब ने वो है व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव। जाति का जो सदस्य है वो अपने जाति के परंपरागत व्यवसाय को ही अपनाता है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी पेशे को नहीं अपना पाता है। जैसे एक ब्राह्मण है वो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है, सैनिक काम है वो क्षत्रियों द्वारा किया जा रहा है, व्यापार वाणिज्य का काम वैश्यों के द्वारा किया जा रहा है और सभी की सेवा का जो कार्य है वो शूद्रों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर प्रतिबंध लगाती है कि वो जाति के द्वारा निर्धारित व्यवसाय को ही अपनाए। नेक्स्ट विशेषता विवाह संबंधी प्रतिबंध। प्रत्येक जाति अपने सदस्यों पर विवाह संबंधी प्रतिबंध लगाती है। एक जाति का जो व्यक्ति है वो अपने ही जाति में विवाह करता है, अर्थात जाति अंतर विवाही है। जातियों में जैसा कि हमने खान पान संबंधी बात की थी, रोटी और बेटी का संबंध पाया जाता है। रोटी यानी खान पान और बेटी यानी विवाह संबंध। सभी जातियां अपने सदस्यों पर अंतर विवाह का प्रतिबंध लगाती हैं। इस आधार पर एक जाति दूसरी जाति से भिन्न है। अंतर जातीय जो विवाह है यद्यपि कानूनी दृष्टि से मान्य है लेकिन हिंदू सामाजिक व्यवस्था आज भी उसको स्वीकार नहीं कर रही है। तो इस प्रकार से हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जातियों में परस्पर असमानता विद्यमान है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने मतों के माध्यम से इन सब चीजों को समझा। ये हिंदू सामाजिक व्यवस्था का परंपरागत आधार है, रहा है। लेकिन जब हम इसमें परिवर्तन की बात करते हैं तो जब भारत आजाद हुआ तो संविधान में जाति असमानता को समाप्त किया गया। संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अंदर स्त्री पुरुष की समानता की बात की गई, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जातिगत जो भेदभाव था उसको समाप्त किया गया। शिक्षा का विस्तार हुआ, औद्योगिकरण नगरीकरण हुआ, पाश्चात्य विचारों का प्रचार प्रसार हुआ। इन सब कारणों से धीरे धीरे हिंदू सामाजिक व्यवस्था में जो परंपरागत जातीय असमानता थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही। विवाह संबंधी प्रतिबंधों को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के माध्यम से समाप्त किया गया और अंतर जातीय विवाह को मान्यता दी गई। इस प्रकार से हमारी जो जातीय असमानता थी उसमें धीरे धीरे बदलाव आ रहे हैं। फिर विद्यार्थियों मैं समझता हूँ कि जातिगत जो असमानताएं थी भारतीय समाज में आज इसको हमने जाना और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।